श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज नए साल की नई सुबह के साथ में मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने व्लॉग में। तो जय माता दी, आप सबका नया साल मंगलमय हो। अरे नक्शु, ये क्या हो रहा है? शांत रहो बेटा। आप सबका नया साल मंगलमय हो, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस नए साल में जिसके जो भी रुके हुए काम हैं सारे पूरे हों, तो माँ भगवती से यही प्रार्थना है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं एक नए व्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले आज नए साल पे मैं आप सबको करवा रही हूँ माता रानी के दर्शन, और ये सबसे बड़ा उपहार आज मेरे लिए आया है नए साल पे वैष्णो माता की तरफ से। तो ये वैष्णो माता ने भेजा है, और नीलम गई थी वैष्णो माता मंदिर में, बच्चों के लिए लाई है तो माता रानी की फ़ोटो, और ये ताबीज़ लाई है नीलम, और साथ में प्रसाद भी था माता रानी पर। मैंने वैष्णो माता की फ़ोटो तो मैंने यहीं से लेके लगाई थी, लेकिन साक्षात भगवती की फ़ोटो वहीं से आ गई। तो इससे बड़ा उपहार मेरे लिए नए साल में और कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। और ये देखिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, साथ में हमारे कान्हा जी भी बैठे हैं वहीं। हाँ, कान्हा के बिना तो हम बैठते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज नए साल पे, और अभी मैं बच्चों को ये ताबीज़ पहना देती हूँ। ये देखिए, इस पर वैष्णो माता जी भगवती की इसमें फ़ोटो है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा उपहार है नए साल का मेरे लिए। तो जिस तरह से मुझे नए साल पे खुशी मिली है, आप सबको भी खुशियाँ मिलें। तो लो सारा पहनो बेटा इसको, नक्शो आप भी पहनो मेरे बच्चे, ये लो पहनो पहनो पहनो। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। नक्शो प्रेम से बोलो जय माता दी। हाँ, और टीका भी लगा देती है मम्मा आपके। तो यहाँ पे वैष्णो माता को तो मैंने टीका लगा दिया है, बिंदी भी लगा दी है, तो अब माता को भी स्थान पे रख लेते हैं। चलिए पहले हम बच्चों का टीका लगा लेते हैं। आज यहाँ पे बन रहा है हलवा, यहाँ पे मैंने आज चीला बना रही हूँ बेसन का। इसमें मैंने चीला नहीं है, ये लकड़ी है ये। इसमें थोड़ा सा बेसन, थोड़ा आटा, और थोड़ा मैंने इसमें डाला हुआ है प्याज, हरे प्याज होते हैं ना, प्याज के पत्ते, लहसुन के पत्ते काट के डाल रखे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पकौड़े। तो आलू के पकौड़े बनाने के लिए मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। आलू तो हमने काट के रख दिए हैं, अभी बन रहा है हलवा। और यहाँ पे मैंने तवा रखा है, और ये लकड़ी की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ों के लिए मसाले। तो इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, तो मैं जैसे बनाती हूँ मैं वैसे आपको बना रही हूँ, हल्दी, और ये होती है काली मिर्च, है ना, काली मिर्च, और थोड़ा मैं डाल रही हूँ अजवाइन। हींग भी मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि पकौड़ों से थोड़ा गैस बनने का डर रहता है ना, तो हींग का यूज़ मैं करती ही करती हूँ। और थोड़ा मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। नए साल के हम स्वागत कर रहे हैं नए नए पकवान बना करके माता रानी भगवती का, सबका स्वागत कर रहे हैं। तो नए साल पे तो एक नया दिन होता है, हर चीज़ नई होती है ना। तो सबसे पहले हम अपने देव देवताओं को ही याद करते हैं, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, है ना, उन सब के लिए तो हम भोग बनाते हैं, है ना। तो ये सब उन्हीं के लिए बन रहा है। तो मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही, यह है सिर्फ अलग सा, इसको मैं भगवान को नहीं चढ़ाऊँगी। और नक्शु सारा दोनों को ये अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए मैं ये बना लेती हूँ। तो अब ये जो पकौड़ी बनाऊँगी ये भी भगवान को चढ़ाऊँगी, हलवा बनाऊँगी, और शाम को मैं मीठी पूरी बनाऊँगी थोड़ा। इसमें मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है। तो मैं ये पहले मसाला बना के रेडी कर देती हूँ। तो बनाते हैं हम पकौड़े। और पहले मैं अभी यहाँ पे मैंने कान्हा जी के लिए दूध गर्म कर रखा है ना, कान्हा जी को मैंने स्नान तो करवा दिया, और अब पहले मैं कान्हा को दूध दूँगी। अगर नहीं दूँगी ना टाइम से वो, तो कान्हा मुँह फुला लेते हैं, फिर गुस्सा हो जाते हैं। कान्हा का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, सही बात है, मुँह फुलाना भी ज़रूरी है ना। जब हमें भी कोई चीज़ टाइम से नहीं मिलती तो हम भी गुस्सा हो जाता है। ये देखिए, ये मसाला तो रेडी हो चुका है, और अब मैं इसमें आलू डाल डाल के सिर्फ तलना है ढंग से, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं पहले, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है माता रानी, माँ वैष्णो माता, ये फ़ोटो मेरे लिए वहीं से आई है। तो सच्ची हूँ इतनी खुशी हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। थैंक यू नीलम। चलो माँ भगवती तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, खुश रहो हमेशा। तो ये हम माँ भगवती को भी स्थान पर रख लेते हैं। तो माँ का स्थान तो वैसे दिल में है नए साल पे माता रानी की तरफ से। नक्शो ऊपर करो बेटा, नक्शो ऊपर करो, मम्मा टीका लगा रही है अभी। और लो लो लो, मम्मा पहनेगी, ये खुलता है वो, मम्मा खोलती है, एक मिनट रुक जाओ, तोड़ना नहीं है आप लोग उसको, अच्छे से लगाना बेटा है नक्शो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, पे तवा गरम हो रहा है, और ये कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, और अब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ लकड़ी और पकोड़े बनाने की, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं लकड़ी। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से घोल को डाल देती हूँ। तो इसको हम अच्छे से स्पून से फैला भी देंगे फिर, ताकि अच्छे से फैल जाए, तेल इसमें लग जाए पूरा नीचे से अच्छे से। और तब तक यहाँ पर पकौड़े भी डाल देती हूँ, क्योंकि तेल भी गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये देखिए पकोड़े और लकड़ी तो तैयार हो चुकी है, और बच्चे लगे हैं खाने। तो चलिए आप लोग भी लीजिए हमारे साथ मज़ा।
तो फ्रेंड्स ये है कान्हा का भोग। इसमें मैंने रखी है पकौड़े, मिठाई, हलवा और मक्खन और मिश्री। तो चलिए सबसे पहले हम अपने कान्हा जी को भोग लगा लेते हैं। कान्हा जी, मौसी जी प्रणाम, हैप्पी न्यू ईयर मौसी। तो ये मौसी जी हैं, कल रात आई हैं मौसी से नगर से। देखो ना आज यहाँ का मौसम भी तो कैसे बादल बादल हो रखे हैं। नीलम क्या जा रहे हैं जरा वो खड़े हैं नीचे पे भैया देखो। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं नीलम के घर पे। नीलम गई थी वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी से आने के बाद आप सबको पता है कि कन्या को जिमाया जाता है, तो इसलिए आज नीलम ने हम लोगों को भी इनवाइट किया। चलो बेटा तो हम जा रहे हैं नीलम के घर पे, और नीलम के हस्बैंड आए नीचे पे लेने के लिए। वो देखिए भैया खड़े हैं खुश हो खुश हो खुश। ठीक है भैया, आपको भी भैया हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत मंगलमय हो आपके लिए नया साल। चलो भैया अच्छा हुआ आप लोगों ने यात्रा कर ली। तो कैसा लगा भैया आपको वैष्णो देवी की यात्रा करके? बहुत बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं नीलम के घर पे। नीलम खुश रहो खुश रहो। थैंक यू, सेम टू यू, खुश रहो। तो फ्रेंड्स ये है नीलम, नीलम को तो आप लोग जानते ही हैं। चलो अच्छा नीलम इसी बहाने तुम्हारे घर तो आए। चलो चलो आओ। ये है अंजलि, खुश रहो। ये है अंजलि, ये देखो जरा ये छुप रही है, क्यों छुप रही है? मामी जी प्रणाम। किरण जी और ठीक है? हाँ आप ठीक हो? ठीक है। नहीं यार जो लोग छुपते हो, जो लोग छुपते हैं ना उनको दिखाना बहुत जरूरी होता है। सवारी दादी दादा को पर मामी जी दर्शन हो गए थे ना अच्छे से। तो मामी जी हैं जो वैष्णो माता के दर्शन करके आई हैं, तो अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं है ना। पिंडी के दर्शन कर लिए थे? हाँ ये तो है ना। चलो बताना भी तो है भाई, बुलावा आए तो नहीं जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलके बोलो बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। जी देखिए नए साल का पहला दिन और कितना अच्छा है। सबसे पहले कन्या पूजन, कन्या जिमाई पहले ही दिन, इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है ना। नीलम की मनोकामना पूरी करे, नीलम पे प्रसन्न हो माता रानी, मम्मी जी पे प्रसन्न हो। नौ कन्याओं के साथ में एक भैरव एक हनुमान भी साथ में चल रहे हैं। तो ये है नीलम का किचन, और नीलम दिखाओ क्या क्या बनाया है। नीलम ने बनाया है खीर, हलवा और इसको क्या है चने। हाँ ये माता रानी का प्रसाद यही होता है ना, हलवा चने खीर और ये पूरियाँ। नीलम आई थी वैष्णो देवी से, तो यहाँ पे आज नीलम करवा रही है कन्या पूजन है वैष्णो माता का प्रसाद, जो कि नीलम वहाँ से लाई है, और यही प्रसाद नीलम ने कल सबको बांटा है, हमारे यहाँ पे भी लाई थी। नीलम के घर के पीछे इतना खूबसूरत सा नज़ारा है ना, मैं भी आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए मेरे पीछे उधर है बड़े थी गाँव, ये पूरा बड़े थी मार्केट है इधर नीचे, इधर ये बड़े थी वाले बस रखे हैं, और इधर देखिए बड़े बड़े गेहूँ के खेत, और इधर से देखिए उधर वो बाबा जी आपको जाते हुए दिख रहे हैं ना, वाला जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये नीचे मंदिर को जाता है महादेव जी के मंदिर में, जो आप कई बार मेरे ब्लॉग में देखते भी हैं, भोलेनाथ जी का मंदिर है जहाँ पे गंगा मैया हैं। तो ये देखिए उधर थोड़ी सी गंगा मैया आपको दिखेगी, ये देखिए तो थोड़े से आपको गंगा माता दिखेगी भी। तो यहाँ से हमारे महादेव जी का मंदिर है भोलेनाथ जी का, और ये देखिए खूबसूरत से नज़ारे हमारे यहाँ के। तो बच्चों ने जिम लिया है और नीलम लगी है सफाई पे। तो नीलम का घर दिखा दो एक बार आप सबको। तो ये है ड्राइंग रूम, नीलम ने अभी नया घर बनाया। देखिए ये है नीलम का मंदिर, तो कितना सुंदर सजा रखा है उसने मंदिर, और मैं कहीं भी जाऊँ तो सबसे पहले मंदिर पे ही नज़र पड़ती है। बहुत अच्छा लगा मुझे नीलम ने जो अपने घर पे मंदिर सजा रखा है माता रानी का, बहुत अच्छा लगा। तो बच्चे तो जिम गए हैं, और अब नंबर है बड़े लोगों का। तो एक रूम यहाँ है नीलम का, बहुत अच्छा बना रखा है नया घर। ये देखिए यहाँ पे टीका लगा रहे हैं भैया मामी जी को, और ये अंजलि, जैसा कि हम लोगों का गढ़वालियों का रीति रिवाज होता है आप लोगों को पता ही है,
खाने पे बुलाया जाता है तो टीका लगाया जाता है, और आज तो वैसे भी कन्या पूजन था तो लगेगा ही। काफ़ी मिले हमें नीलम और नया, बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, आपकी यात्रा पूरी हुई, माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे, मामी जी आपको भी। तो मामी जी, भैया और नीलम और डुगू तीनों गए थे, चारों के चारों गए थे वैष्णो माता की यात्रा में, तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि नीलम ने कन्या जिमाई कराई है। तो आप सब देख लो लाइट फॉलो, वैष्णो माता की यात्रा के बाद कन्या जरूर जिमाते हैं, तो आज हम लोग उसी कन्या पूजन में यहाँ पर आए थे नीलम के घर पे, और ये सब हो रहा है नए साल में, नए साल के पहले दिन, तो इतनी खुशी हो रही है आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से बधाई हो आप लोगों को। चलो ठीक है, हाँ चलो चलो, अभी हम लोग निकल रहे हैं नीलम के घर से, सब अपने अपने घर को जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, कन्या पूजन भी हुआ और नीलम के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, वरना नीलम भी नहीं मिलती हमें कभी ऐसे, तो इसी बहाने से हम लोग आज नीलम के यहाँ भी बैठ गए काफ़ी देर तक। तो बहुत अच्छा लगा नए साल पे, नए साल का नया दिन, और आज यहाँ का मौसम ये देखिए पूरे बादल ही बादल, बादल ही बादल, और आज नए साल का स्वागत इस तरह से हुआ है बादलों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हम लोग अपने घर को। नीलम थैंक यू, हाँ अच्छा लगा तुम्हारे साथ बैठ के, नहीं अच्छा लगा वरना तुम मिलती भी कहाँ। अच्छा मामी भैया, बाय अंजलि, अच्छा भैया थैंक यू भैया। तो भैया लोग निकल चुके हैं यहाँ से हमें यहाँ पे छोड़ के, ये देखिए अभी लाए हैं हैप्पी न्यू ईयर का केक, और ये केक हम काटेंगे अपने काना के साथ में, ठीक है, एक छोटा काना, एक बड़ा काना और एक सारा। ये सच में देखो तो जरा, तो अब काट रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर का केक बच्चों के साथ में, एक छोटा सा सेलिब्रेशन, और साथ में है काना जी भी, तो बोलिए हैप्पी न्यू ईयर नक्शु, हैप्पी न्यू ईयर सारा, हैप्पी न्यू ईयर सबको। सबसे पहले केक हम काना जी को खिलाएंगे, काना जी हैप्पी न्यू ईयर काना। चलिए आज का हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन तो पूरा हो चुका है केक कटने के साथ ही, तो एक बार फिर से आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों और सबके रुके कम इस नए साल में पूरे हों, ठीक है। तो आज का जो सेलिब्रेशन था, जो न्यू ईयर था, बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा मुझे। एक तो मॉर्निंग में मुझे माता वैष्णो माता रानी के दर्शन हो गए, दूसरे नीलम ने भी खाने पे बुला दिया, वहाँ पे कन्या जिमाई हुई और सबका खाना था, तो बहुत अच्छा लगा, एक गेट टुगेदर भी हो गया काफ़ी टाइम बाद। नीलम के साथ भी हम लोग कभी नहीं मिल पाते ऐसे, क्योंकि वो जॉब वाली है, काफ़ी टाइम बाद हम लोग एक दूसरे से मिले हैं इस तरह से, तो थैंक यू नीलम। एक तो माता वैष्णो की फ़ोटो लाने के लिए, जिसको जो कि मुझे सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए, माता वैष्णो की फ़ोटो मिलना, वो भी नए साल के पहले दिन, तो थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा तो अच्छा रहा आज का दिन, क्योंकि माता रानी के भी दर्शन हुए हैं, साथ में एक छोटा सा गेट टुगेदर भी हो गया है और केक भी कट गया है, तो एक छोटा सा व्लॉग था, आई होप कि आप सबको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करना ना भूलें। तो जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कोरोना से बच कर रहें। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आज न्यू ईयर के उपलक्ष्य में नक्शु हमें डांस दिखा रहे हैं, तो नक्शु प्लीज़ इधर आइए, आप सामने आइए, नक्शु इधर आइए।